45 उनका हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब तो जितना वो खेलेंगे उतना इंडिया के लिए बुरा है। पाकिस्तान को मदद मिल गई पहली इनिंग्स की, पाकिस्तान ने इंग्लैंड की वीकनेस को पकड़ लिया। मैं आपको बता के थक गया कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी वीकनेस है इंग्लैंड स्पिन को नहीं खेल सकता। इस मैच को बचाने में कामयाब हो जाता ना फिर तो ग्रेट है यार, मतलब अगर ड्रॉ ही कर लेता है तो बहुत बड़ी क्या बात होगी, ड्रॉ भी जीत है इंडिया की, मैं समझता हूं ड्रॉ भी जीत है। इस्लाम मसूद ने 7 मैचेस के अंदर 6 मैचेस पहले हारने के बाद फाइनली 7वें मैच के अंदर विक्ट्री हासिल की है, और मेरी नजर के अंदर ये विक्ट्री का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ साजिद खान और नुमान अली को जाता है। जब जब पाकिस्तान की टीम फंसती है भाई, सलमान अली आगा जो है वो आता है आगे भाई, और पाकिस्तानी टीम को हमेशा मुश्किल से निकालने की कोशिश करता है। सारा का सारा क्रेडिट जाएगा सिलेक्शन कमेटी को, जिसने जिसको कहते हैं ना नुमान अली साजिद खान को टीम में डाला और जिसने ये पिच बनाई। तो आगा सलमान इस टाइम पाकिस्तान की टेस्ट की टीम में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। 3 साल 8 महीने और 11 टेस्ट मुकाबले के बाद आखिरकार पाकिस्तान को जीत नसीब हुई। जी हाँ, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रनों से करारी शिकस्त दी है, और इंग्लैंड की पारी को देखने के बाद ये समझ में आ गया कि इंग्लैंड चाहे लाख बेसबॉल खेलता हो लेकिन वो पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों को नहीं खेल पाया। गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज पाकिस्तान सही मायने में तारीफ का हकदार है। जी हाँ, पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों ने क्या खूब कमाल किया है। पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी के आगे धाराशाही नजर आया इंग्लैंड का क्रिकेट। नुमान अली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी नुमान अली ने पाकिस्तान के लिए आज 8 विकेट निकाले हैं, साजिद खान 2 विकेट और नुमान अली 8 विकेट। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जितनी भी विकेट गिरी है सभी स्पिनर्स की झोली में गिरी है, और धन्य हो गया आज पाकिस्तान और धन्य हो गया उसका मैनेजमेंट जिसको 11 टेस्ट मुकाबले के बाद कम से कम आज शिकस्त नहीं देखने को मिली है बल्कि उनकी मुल्क में आज खुशी का माहौल है। लेकिन ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान ये टेस्ट मुकाबला 152 रनों से जीत चुका है लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भारत और न्यूजीलैंड की ही चर्चा हो रही है। भारत के 46 रनों पर आउट होने के बाद पाकिस्तान में खुशी की लहर है, और अपनी विक्ट्री छोड़कर वो भारत के हार की खुशियां मना रहे हैं। यही पाकिस्तान है। जो स्टार्ट इंडिया को चाहिए था आज के दिन के अंदर वो स्टार्ट इंडिया को मिला। 180 पे कल 3 आउट्स, और जिस तरीके से आके भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की 200 तो आई थिंक के 20 के ऊपर, 220 के ऊपर या 225 के ऊपर 7 आउट हो गए हुए थे। लेकिन उसके बाद जहां पे ऑल आउट करना था वहां पे जो भारत चूक गया, वहां पे जो भारत चूके है ना वो जिसको कहते हैं ना बड़ा काम खराब हो गया। टिम साउथी और रचिन रविंद्रा की जो पार्टनरशिप लगी है वो एकदम से ना उसने हिला के रख दिया भारत को, कि 100 रन की उन्होंने पार्टनरशिप बना दी है, 100 रन की शानदार पार्टनरशिप बनाई, और ऐसी पार्टनरशिप बनाई है कि जिससे आप समझ लें कि इंडिया को गेम से उन्होंने आउट कर दिया। मैं जो आपको सुबह सिनेरियो बताया था, अगर टीम साउथी की पार्टनरशिप लगवा दी उसके बाद जैसे कहते हैं ना रचिन रविंद्रा की सेंचुरी करवा दी और 345 के ऊपर जहां पे उन्होंने इस सेशन के अंदर इंडिया की बैटिंग आ जानी थी वहां पे अभी तक वही बैटिंग कर रहे हैं और आगे भी बैटिंग करेंगे। और अब जो लीड मैंने कहा था कि कम से कम 200 की लीड हो, 250 इनका टोटल हो, तो वो जो लीड है वो पहुंच गए 300 की, और 345 उनका हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब तो जितना वो खेलेंगे उतना इंडिया के लिए बुरा है। इस मैच को बचाने में कामयाब हो जाता ना फिर तो ग्रेट है यार, मतलब अगर ड्रॉ ही कर लेता है तो बहुत बड़ी क्या बात होगी, ड्रॉ भी जीत है इंडिया की, मैं ड्रॉ भी जीत है इस मैच को बचाना। अब मैं यकीन करें रिजवान भाई, अगर मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश होती, पाकिस्तान होती, श्रीलंका होती, या जिसको कहते हैं ना साउथ अफ्रीका होती, 4 टीमों के, वेस्ट इंडीज सिवाय न्यूजीलैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा मैं बात करूँ, कोई भी टीम होती ना इस सिचुएशन के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट होगी हुई है, तो उन्होंने इंडिया की बॉलिंग ने 100 में उनको ऑल आउट कर लेना था। 200 रन भी उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए ना न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड से फिर चेज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक चांस है इंडिया के पास, लेकिन बशर्ते न्यूजीलैंड को आप कल 250 पे आउट करें। अगर न्यूजीलैंड ने 300 कर लिया फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, 250 जिसको कहते हैं ना न्यूजीलैंड को 250 पे आउट कर ले और 450 बोर्ड पे, न्यूजीलैंड ने 300 अगर कर लिया तो इंडिया को 600 करना पड़ेगा।
जिस तरीके से करते जितना हैं, ज्यादा न्यूजीलैंड का स्कोर डबल करना पड़ेगा, ज्यादा ही आपको जो है ना स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब आप कमबैक कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली इनिंग पे आप 46 स्कोर पे आउट हो गए हो तो ये हमने ऐसा कोई मतलब नहीं देखा, कोई मैच मैंने तो नहीं देखा कि इतने कम स्कोर पे आउट होने के बाद कोई टीम कमबैक किया हो। किया भी हो सकता है किसी टीम ने, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर इंडिया को इस तरीके से न्यूजीलैंड को, और देखें न्यूजीलैंड अच्छा खेलती है, वही पिच है, लेकिन कंडीशन ये है कि धूप शूप निकल गई है और पिच हो गया सीधा। जब जब पाकिस्तान की टीम फंसती है भाई, सलमान अली आगा जो है वो आता है आगे भाई, और पाकिस्तानी टीम को हमेशा मुश्किल से निकालने की कोशिश करता है। आगा सलमान आके जो है वो टेल के साथ खेलता और रन्स बनाता है। आप देखें, आपने बड़े बड़े ट्रेंड्स बनते हुए आगा सलमान के नाम के नहीं देखे, आपने बॉब्जी दी किंग के, ब्रैडमैन, रिजवान के, ईगल्स के नाम के ट्रेंड्स बनते हुए आपने देखे हैं, ठीक है। लेकिन ये बंदा जितना परफॉर्म करता है ना, उसकी इतनी तारीफ की नहीं जाती है। हमेशा हम देखते हैं कि बाकी सारे आउट हो जाते हैं, ये जो है नंबर 8-9 के जो टेल एंडर्स के साथ आके जो है वो पार्टनरशिप लगाता है और पाकिस्तान को अच्छा भला रन्स बना के देता है। तो आगा सलमान इस टाइम पाकिस्तान की टेस्ट की टीम में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। 3 साल 8 महीने 11 टेस्ट मैचेस के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शानदार किस्म के मैच के अंदर हरा दिया। हम कहते रह गए कि स्पिन विकेट बनाए, स्पिन विकेट आपकी ताकत है, लेकिन नहीं सुनी गई। फाइनली जाके अब जाके इन्होंने स्पिन विकेट बनाई, स्पिनर्स को खिलाया। हुआ क्या, पहली इनिंग्स के अंदर साजिद खान ने 7 आउट किए, इस इनिंग्स के अंदर नुमान अनिल ने 8 आउट किए। इंग्लैंड 144 के ऊपर ऑल आउट होगी, पाकिस्तान ने 152 रन से विक्ट्री हासिल की है, मैसिव विक्ट्री है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जो घर के अंदर हारने का कर्ज चलता आया था उसको खत्म किया है और बहुत से लोगों का करियर को बचाया है, वरना अगर ये भी मैच हार जाते तो हमें देखने को मिलता कि एक बिल्कुल न्यू टीम नजर आती। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, सारा का सारा क्रेडिट जाएगा सिलेक्शन कमेटी को, जिसने जिसको कहते हैं ना नुमान अली साजिद खान को टीम में डाला और जिसने ये पिच बनाई, जिसने ये जिसको कहते हैं ना रफ पिच बनाई, स्पिन विकेट बनाई और खिलाड़ियों को मौका दिया। पाकिस्तान ने एक ब्लफ खेला था, पाकिस्तान ने टॉस के ऊपर डिपेंड किया था, अगर पाकिस्तान टॉस हारा होता तो ये हाल पाकिस्तान के साथ होता, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत गया था, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी, को मदद मिल गई पहली इनिंग्स की। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की वीकनेस को पकड़ लिया। मैं आपको बता के थक गया कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी वीकनेस है इंग्लैंड स्पिन को नहीं खेल सकता। वो हमने देखा कि जितना मर्जी हो बेसबॉल खेलते हो, जितने मर्जी उनके बड़े बल्लेबाज हो, दे कांट प्ले स्पिन, और साफ दिखा उनसे स्पिन नहीं खेली जा सकती और ये चीज सामने प्रूव हो चुकी हुई है। अब लोग बड़े सारे सवाल कर रहे हैं कि बिकॉज बाबर आजम ने खेला था पाकिस्तान इसलिए जीत गया, बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान मैच हार रहा था। देखिए खाली बाबर आजम टीम में नहीं था, शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह ये भी बाहर हुए हैं, तो आप इनको भी साथ रखें ना। हाँ आपकी बात सही है कि बाबर जब टीम में था पाकिस्तान नहीं जीत रहा था, लेकिन आप शायद ये बात भूल गए कि बाबर आजम एक अरसे से पाकिस्तानी टीम में था। बाबर आजम की कप्तानी के अंदर भी हम अपने घर के अंदर जीते हुए बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से, तो ऐसे मत बोलिए। एक बुरा फेस पाकिस्तानी टीम पे चल रहा था, बुरा फेस आया हुआ था, फाइनली वो खत्म हुआ है। शान मसूद ने 7 मैचेस के अंदर 6 मैचेस पहले हारने के बाद फाइनली 7वें मैच के अंदर विक्ट्री हासिल की है, और मेरी नजर के अंदर ये विक्ट्री का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ साजिद खान और नुमान अली को जाता है। इन दोनों को इस विक्ट्री का क्रेडिट जाता है, इन दोनों ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई और जिस तरीके से इन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट प्ले किया है, ये इन्हीं का क्रेडिट जाता है। ये देखिए 38 ईयर्स और नुमान अली है, ये आपका फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये आपको बुरे वक्त के अंदर बचा सकते हैं, उन्होंने बचाया। इनका स्टैमिना आप देखेंगे, ये पिछले इन्होंने ओवर ही सारे इन्होंने किए साजिद खान और नुमान अली ने, और इंग्लैंड फिर भी इनको नहीं खेल पाई, तो ये तारीफ बनती है। आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने बॉलिंग किया, फाइनली विक्ट्री पाकिस्तान को मिल गई, खुशी इस बात की है कि फाइनली पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स में खुशी का माहौल है, पाकिस्तान के सभी यूट्यूबर पाकिस्तान की जीत पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत पर भी अपनी विशेष टिप्पणी जरूर दे रहे हैं। अपनी जीत की खुशियां मनाने पर फोकस करें, ना कि भारत की जीत या हार पर। पाकिस्तान के यूट्यूबर जैद अली, वालिद रौफ जैसे फेमस यूट्यूबर इस वक्त पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि
पाकिस्तान को कम से कम अकल तो आई कि जी हाँ किस तरीके का पिच बनाना है, किस तरीके के गेंदबाजों का यहाँ इस्तेमाल करना है। मुल्तान के पिच बरसों बाद स्पिन ट्रैक पर सही उतरी है और मैनेजमेंट ने सही सही खिलाड़ियों को भी इस बार चुना है। मतलब पाकिस्तान के पास इतने सालों से ये बेहतरीन गेंदबाज थे, फिर भी पाकिस्तान ने वही लुंजू पुंजू गेंदबाजों को मौका दिया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम ही टीम के लिए पनौती थे। बाबर आजम टीम से बाहर हुए और टीम को 3 साल 8 महीने और 11 टेस्ट मुकाबले के बाद कम से कम जीत नसीब हुई। जहां पाकिस्तान को पहले टेस्ट में करारे शिकस्त झेलनी पड़ी थी, तो वहीं पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में कमबैक किया है और वालिद रौफ और जायद अली जैसे यूट्यूबर्स की खुशी देखने मान से ही बन रही है। वालिद रौफ ने तो ये भी कह दिया कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी गेंदबाजी को बनाए रखा है, हम उम्मीद करेंगे कि बचे हुए आखिरी टेस्ट मुकाबले में भी पाकिस्तान अपनी इसी गेंदबाजी पर टिका रहे, क्योंकि इंग्लैंड हमारे स्पिन गेंदबाजों को नहीं खेल पा रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉटरी का टिकट है। यानी इन्हें भी पता है कि इस जीत के लिए पाकिस्तान वाले कितना तरसे हैं, तो कम से कम इस जीत को सेलिब्रेट करें, ना कि भारत की हार और भारत के मैच में जो भी हो रहा है उस पर डिस्कशन करें। लेकिन पाकिस्तान का पूरा फोकस अपनी जीत से हटकर अब भारत के अगले दांव पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजी को देखा जाए तो आगा सलमान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। उन्होंने पारी को तब संभाला जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प है कि पीसीबी अपने इन 3 नए खिलाड़ियों को किस तरीके से आगे आने वाले मुकाबले में इस्तेमाल करता है, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में यही देखा गया है कि लाख परफॉर्मेंस दीजिए लेकिन बाबर आजम के सामने आप नजरअंदाज किए जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सीरीज में बाबर आजम के दोबारा एंट्री हो जाए और इन सभी सितारों को एक बार फिर टीम से बाहर कर दिया जाए। और इस बात का बयान खुद साजिद खान ने दिया है जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि परफॉर्मेंस देने के बाद भी पाकिस्तान में टीम से बाहर बैठना पड़ता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है और अब आखिरी मुकाबला देखने लायक होगा कि कौन इस सीरीज पर कब्जा जमाता है। फिलहाल पाकिस्तान में खुशी की लहर है और रहनी भी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान बड़े लंबे अरसों के बाद जीता है और जीत के खुशी से शायद उसका दिमाग पागल हो चुका है और वो अभी कुछ भी समझने और सुनने के लायक नहीं बचा है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की शानदार विक्ट्री की जोर शोर से तबाही मची है और गुणगान गाया जा रहा है। आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखने के बाद क्या राय रखते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजें।